जी व्यूअर्स, तो अभी होटल में थे हम लोग, तो वहाँ तो अभी लग रहा है रेस्ट डे को सभी बाहर नायगरा फॉल्स या इधर उधर निकले हुए, तो फिर देखिए मौका लगा तो वहाँ पे जाएंगे। कल कोशिश है कि गेम एक देखा जाए। और तो अभी हम लोग सब आए हैं यहाँ पे, ये अभी तो फवाद है मेरे साथ, लेकिन हमारा पूरा ग्रुप जो है दोस्तों का रियूनियन वाले, ये एक जगह है खाना खाने के लिए यहाँ पे है, टर्किश रेस्टोरेंट, इसका नाम है इस्तांबुल डोनर कबाब। तो इधर आ चुका हूँ मैं पहले, दे हैव गुड फूड, अब आज देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो हम पहले पहुँच गए तो अब हम जाके, और ये देखिए पूरा कॉम्प्लेक्स अगेन टिपिकल टोरंटो के, आपको यहाँ पे ढूंढने नहीं पड़ते रेस्टोरेंट्स, एक जगह भी आप कहीं चले जाएँ तो आपको एक ही कॉम्प्लेक्स में 50 हलाल और देसी चॉइसेस मिल जाती हैं। तो ये देखिए 5 हलाल मीट है, उसके बराबर में के कन्वीनियंस, और फिर वो है इस्तांबुल डोनर। तो चलें फिर इंशाल्लाह आपसे होती है बात। जी व्यूअर्स, तो अभी हम यहाँ पे टर्किश रेस्टोरेंट में आए हैं, अभी हमने टेबल बुक कराई है यहाँ, और बाकी ग्रुप का इंतज़ार है, तो वो जैसे ही आते हैं तो फिर आपको और मज़ीद दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी टाइम लगेगा अभी तो खाना ऑर्डर करने में, और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है ये, और बड़ी वैरायटी है और बहुत बिजी रहता है टोरंटो में इस्तांबुल डोनर। व्यूअर्स, ये है वो रेस्टोरेंट, काम हो रहा है यहाँ पे, और ये मीठे रखे हुए हैं इनके बहुत सारे, एंड देन पीछे उनका सारा सब कुछ पक रहा है। अभी देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। और इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी है, ये देखें इवन टेबल पे भी कार्व हुआ है इनका नाम। क्या है, क्या ये टिश्यू आपका मिला है? वाओ, लुक्स गुड। लैम टिक्का है, लैम टिक्का, चलो मैं जल्दी ऑनलाइन में अगर नहीं आते वाओ अरे ये पानी खराब है, बहुत ठंडा है। हां, दिस इज गुड, आई थिंक कूलिंग इफेक्ट। वाओ, ये एंबियंस, ये आ गई मेन डिश, वाओ बहुत ही आला भाई, देखिए इसके अंदर क्या। ओह अच्छा, इसके अंदर है सब कुछ। ओह वाओ, रोटी में कवर्ड है, मैंने या ये इसके अंदर है सब कुछ। हड्डी भी बीच में आ गई, हड्डी गोश्त हुआ? नहीं नहीं, बीच में हड्डी थी। लॉक मार्क, ओह यस प्लीज, जो आ जाए डाल दो। एक मिनट, इसको निकालना थोड़ा ट्रिकी है। एक मिनट यहाँ से चक्कर, और टमाटर के अलावा कुछ भी दे दीजिएगा प्लीज। करके दे दो, कैसे ऊपर से उठाऊं? प्लस से ऊपर से भाई जी, नहीं अभी चावल नहीं है इसमें। हाँ, तो चमचा दो, चावल लेने दो, मेरा चमचा प्लेट। तो देखते हैं खाने में कैसा। वाह, जबरदस्त। तुम लोगों ने तुर्की में भी खाया क्या? उसकी मजे की बात बताऊँ, आई थिंक यहाँ का ज़्यादा बेहतर है। नहीं, वो तो सब लोग यही कहते हैं कि तुर्की में खाना अच्छा नहीं है, मतलब वो मुझ जैसे बंदे को भी बाज़ जगहों पे, हर जगह नहीं, होटल में कुछ चीज़ें अच्छी थी, लेकिन मुझ जैसे बंदे को भी वो छूट रहा है। लेकिन ये कि जो अच्छी जगहें थी उधर जहाँ मज़ा आया, फिर वहाँ पे अच्छा खाना।